सारी चीजें कैंसिल पे कैंसिल होती जा रही है। एक लास्ट ऑब्जेक्टिव बॉर्डर क्रॉस करना है हमको। तो ये हो गया है तैयार और मैं हो रहा हूँ अभी। और कुरियर करोगे आदि? वहाँ फ्लाइट जा रही है, कुरियर करोगे बैठ के? लगता है तुमको तो क्या करेंगे फिर? छोड़ना पड़ेगा भाई। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ड्रोन है और ज्यादातर फ्लाइट्स में ना ड्रोन अलाउड नहीं होता, और हम लोग जा रहे हैं बुद्धा एयर से, और बुद्धा एयर उसके ऊपर एक बड़ी बात है यार। आशी इतना लेट हो रहा है तो फिर भी रेड बुल पीनी है। अरे जल्दी बता रहे हमें पीनी नहीं है भैया। ये जो स्तूप है वो सम्राट अशोक की बेटी का है। हम लोग कल यहाँ से निकल रहे थे तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट हमारे एक सम्राट ने बताया ये बात। अच्छा, ये जो स्तूप है वो पता, ये कब पता चला? ये अभी रिसेंटली पता चला है। हिस्टोरिकल क्या है? चारुमती स्तूपा। चारुमती उनका नाम था बेटी का। हाँ, और ये कैसे पता चला कि अभी रिसेंटली है ना, इन्होंने रैंडमली एक है ना इसकी एक ईंट निकाली। अच्छा। और उस पर है ना क्या बोलते हैं, एनग्रिप्ट था। एनग्रिप्ट था क्या? चारुमती। तो क्या पता उनके भट्टे से आया, उनके ब्रिकफील्ड हो। तुम ऐसी बात करता है भैया। उस दिन मैंने बोला कि बुद्धा जो है वो खेती करते थे। हाँ मुझे पता है, ऑर्गेनिक खेती करते थे। फाइनली एयरपोर्ट तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी ये टेंशन है कि ड्रोन ले जाने देंगे कि नहीं ले जाने देंगे। कैसे पता तुम्हें? DHA रद्द, हिमालय, हिमालय के लिए जो रद्द हो गई है, हिमालय वाले रद्द हुई ना, हमें लग रहा था हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं, बट अभी भी यहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं। मौसम ऐसा है कि हो सकता है हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, बट होप फॉर द बेस्ट। पिछले है ना 2 घंटे से हम लोग इस तरह से बैठे हुए, हमें लगा था हम लेट हो रहे हैं। क्यों भागते दौड़ते हुए आए और साला कोई मतलब ही नहीं निकला। मतलब पिछले कितने घंटों से हम इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक मौसम जो क्लियर नहीं हो पाया, और यहाँ का जो एयरपोर्ट है ऐसा लग रहा है बेचारा बस स्टैंड बन गया यार। क्या बुरी हालत हो गई है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ का, जहाँ मत खासो वरना जैसे तैसे फ्लाइट आएगी और हमें बोलेंगे तुम निकलो बेटा। ये हमारा लॉन्च सीटिंग थी और ये एकमात्र सीटिंग है जो बची हुई है बैठने के लिए। सब लोग देखो कैसे कैसे बैठे हुए बेचारे। ये भी गिर जाएगी यार, बैठ जाओ नीचे आराम से। रखा हुआ बैग, रखा हुआ खेर रखी है ना, ये हमारी है। देखो ये हमारा सामान रखा है तो हमारी ही है, और भी नहीं बैठ सकता। फाइनली धूप तो निकल आई है बट लग नहीं रहा। ये अब तक का सबसे खराब एक्सपीरियंस हुआ है हमारा नेपाल का। मतलब दिन ब दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि खुशीनगर वाला जो हमारा टूर है ना वो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल हो गई बोल रहे, लेकिन दिक्कत ये वहीं जाना पड़ेगा दुकान वाले के पास, कोई पैसा देगा। ये रिकन्फर्म करने आया है वो, देखिए वैरवा कैंसल। हाल फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस, और वहाँ से जहाँ से टिकट कराया था पैसा को कि वहीं से मिलने वाला है। और क्या सपने सजाए थे यार, सब टूट गए यार। क्या यार, मूड पूरा इतना खराब हुआ पड़ा है ना अभी वापस हमको जाके। यहाँ तो पूरा देखो अच्छा खासा धूप निकला हुआ है, और वो प्रीपेड टैक्सी लेते हैं चाबिल तक। जब से नगर कोट गए ना, जब से हमारा पता नहीं क्या चल रहा है, हर चीज़ कैंसिल हो रही है या फिर वो चीज़ मिल नहीं रही है। बाबा साहब का वो स्ट्रीट गैलरी हॉल भी नहीं मिला। कूदो कूदो कूदो, वो भी उठा लूँ क्या? फाइनली पहुँच गए हैं। फाइनली हमको है ना यहाँ से एक टैक्सी मिल गई है, बट समस्या ये है कि हमें इंडिया में है ना खुशीनगर जाना था, और वो खुशीनगर जो है उसको आज विज़िट करके हमें कल वापस निकलना था, लेकिन सारी चीज़ें कैंसिल पे कैंसिल होती जा रही हैं। कल हमें बस नहीं मिली, आज हमें फ़्लाइट टिकट कैंसिल हो गई। मुझे लगता है खुशीनगर कैंसिल करना पड़ेगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव बॉर्डर क्रॉस करना है हमको। कोई दिन भाई साहब ने अभी एक नमकीन खरीदा, बोलते कितना ताजा नमकीन है, देखा जरा नमकीन कैसा है महेश। उस पर एड्रेस कहाँ का है बताओ तो जरा।
ग्वालियर लखनऊ का एड्रेस है ये कुछ लखनऊ के हालत देखो हमारी कैसी हो गई यार कैसे चले थे कैसे हो गए यार दाढ़ी ऐसी बढ़ रही है कपड़े ऐसे पहन रखे टोपा देखो टेढ़ा हो गया है कैसे पहुंचेंगे यार भैया कहीं पर भी मास्क ही लगा रहे और आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मास्क लगा कर अरे वीडियो बनाने के लिए मास्क खोला था मैंने अभी लगा रहा हूँ वापस देखो ऐसे मॉर्निंग के 7 बजे सफर बाहर और कल 7 बजे बज जाएंगे सुबह 5 बजे उठे हैं और घर नहीं पहुँच पा रहे 24 घंटे बाहर अब और भी आगे बाहर ही रहना है ये हालत हो गई है सुबह से प्लेन का इंतजार कर रहे हैं फिर कार का इंतजार कर रहे हैं अब हमारी बसों का इंतजार कर रहे हैं तो नहीं बस कब तक आएगी समझ नहीं आ रहा हाँ फाइनली बस तो आ गई और ये बॉर्डर आज हमें पार करना है आशीष कैसा लग रहा है बॉर्डर पार करते हुए अच्छा लग रहा है सर वापस जा रहे हैं बस बहुत मजा आ रहा है मजा आ रहा है अंदर से आ रहा है दिख नहीं रहा अभी है ना ये नेपाल का बॉर्डर था और सामने जो है वो तो फाइनली हमने बॉर्डर तो पार कर लिया है और इस समय बॉर्डर पार करते समय कोई टेस्ट वगैरह या किसी भी तरह की रिपोर्ट की कॉपी नहीं मांगी लेकिन यहाँ से जाते वक्त बड़ा परेशान किया था हमको इंडिया के कैसा लग रहा है आशीष बढ़िया मस्त मुझे ऐसा लग रहा है कि पहुँच जाएंगे घर घर पे लैंड करा दो और यहाँ का मौसम भी बहुत ख़तरनाक है मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा है और फिर चलोगे क्या काठमांडू नगर कोट हमें नेपाल पोगा बोल रहा है 10 साल तक नेपाल नहीं आऊँगा लेकिन जो रात का हमारा ट्रैवल था ना वो बहुत लग्जरी था वैसा उसके अंदर बैठ कर ऐसा फील हुआ ना कहाँ आ गए मतलब हाँ हमारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी 12-13 घंटे हमने वहाँ पे वेट कर लिया था ये वाली है ये सारी जो नौटंकियाँ हो रही ना हमारे साथ ये सब वो हमारी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हो रही है और पता नहीं लखनऊ कब पहुँचेंगे फाइनली हम लखनऊ आ गए हैं ये क्यों हो गए पवित्र पूरे रास्ते पर ये बोलता था पवित्र होना भैया हाँ पवित्र होना था अभी पवित्र हो गए नहा धो के अपन लोग अभी सोने जा रहे हैं बंद करो भैया तो पवित्र तो हो गए और ये कितना काम आया ये बता सबसे पहले ये बहुत काम ये नहीं होता तो वापस नहीं आ पाते मुझे लगता है ये नहीं होता तो अपन लोग की लंका लग जाती नहीं वापस आते हम लोग रोते गाते हुए आ रहे होते वैसा इसने बचा लिया है समझ लो अभी भी इसकी एक्सपायरी बची हुई है मैं तो कह रहा हूँ इसका सही रेट लगा लो ले लेते हैं ये देखो नेपाली सिम अगर आप इंडिया लेके आते हो ना तो उसमें नेटवर्क नहीं आते लाओ पिन दो यार अपने इंडियन डालो पहले और आपको पता है कि नेपाल में है ना मास्क ना पहनने पर है ना कोई जुर्माना नहीं था लेकिन फिर भी वहाँ सारे लोग मास्क पहने हुए थे पब्लिक फेयर अपन लोग डर गए और वो क्या बोल रहे थे कि अगर कोई नहीं पहने तो टोक देते हैं इसलिए सब पहने हुए हैं और हमारे यहाँ तो चालान के डर से नहीं पहनते वो तो नेपाल में हम जब लुम्बिनी गए ना तो बहुत अच्छा था सब कुछ अच्छा था मौसम अच्छा था वहाँ घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता चल रही थी लेकिन हम काठमांडू गए ना वहाँ इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया लेकिन काठमांडू में है ना जो चीज़ें थी ना जैसे बौद्धनाथ स्तूपा था स्वयं बुद्ध जो स्तूपा था ना वहाँ ऐसा बताया जाता है कि जो सम्राट अशोक थे ना वो भी आए थे उन्होंने वहाँ पर एक टेंपल बनाया था इतना ज़्यादा मेंशन है वो 101% बुद्ध का टेंपल ही होगा समय के साथ वो टूट गया खराब हो गया उसे हटा दिया गया हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं लुम्बिनी की जहाँ पर बुद्धा पैदा हुए थे मात्र 10 रुपए 100 ग्राम ये इसने जब से सुना है ना कि बाबा साहब का जो घर था वो रातों रात लोगों ने ना उसकी ईंटें मिट्टी सब समेट के अपने घर ले गए तो ये बोलता है कि बुद्धा की मिट्टी लेकर आए उस मिट्टी को हम तथागत लाइफ बेचे नहीं बेचेंगे और दूसरा क्या था कि आपको ये बात शायद ना पता हो मुझे तो पता नहीं थी कि सम्राट अशोक की जो बेटी थी मुंहबेली बेटी थी या गोद ली हुई बेटी थी चारुमित्रा उनकी शादी नेपाल के राजा से हुई थी और हम लोग एक्सीडेंटली वहाँ पे उनका भी एक स्तूपा बना था जो रिसेंटली लोगों को पता चला है उसके बारे में
तो वो स्तूप से एक पास से भी हम निकले थे, वो भी आपको हमने दिखाया था। और बाबा साहब की जो काठमांडू वाली स्टोरी है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो सिर्फ ये सर्च कर रहा था कि काठमांडू में कहाँ पर बाबा साहब ने भाषण दिया था, उस जगह को पास, उस जगह के पास जाकर देखिए क्या वहाँ पे बाबा साहब की कोई स्टैचू लगी है, आपको यादगार लगी, लेकिन वो जगह तो हमें नहीं मिली। लेकिन एक अनोखी स्टोरी पता चली जो आप लोगों को हमने बताया, पशुपतिनाथ वाली जो स्टोरी थी बाबा साहब की। तो ओवरऑल ट्रिप में मज़ा आया, बहुत कुछ नया सीखा, और इंटरनेशनल ट्रिप में क्या क्या समस्याएं आती वो सीखी, क्योंकि हमारा जो दूसरा ट्रिप शायद 40 दिन का है। हाँ, 50 दिन का है, और वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। कच्चे दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। कच्चे दिल वाले जाए भी ना। कच्चे दिल वाले सही बता रहे हो आप। तो नेपाल वाला ट्रिप हमें बहुत भारी पड़ा, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा उससे। कल सुबह से निकले हैं, कल सुबह से 5 बजे से, और अब जाके लखनऊ पहुंच पाए, बल्कि हमें इसी बीच खुशीनगर भी विजिट करना था, और वहाँ हम नहीं कर पाए। और खुशीनगर में मैं आज तक नहीं गया, मैं वहाँ जाता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन क्या करें, ऐसे सर्कमटेंस बने कि नहीं जा पाए। लेकिन तो आज काफ़ी ज़्यादा थक गए हम लोग, तो हम सोच रहे हैं कि आज आराम किया जाए, ताकि हमारे ब्लॉग्स भी कंटिन्यू बने रहें। तो मिलते हैं कल। तो फिर आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग।